देश में कुछ राजनीतिक लोग भले ही हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का प्रयास करते रहे हों, लेकिन इन दोनों धर्म के लोगों के आपसी भाईचारे के उदाहरण आपको अपने आसपास जरूर देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक गरीब हिंदू का अंतिम संस्कार कराया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने शव को कंधा देकर हिंदू मुक्ति धाम पहुंचाया, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताते चलें कि अनूपपुर जिले में कोतमा के इस्लामगंज में रहने वाले हिंदू समाज के बबलू भट्ट नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। बबलू की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे आकर हिंदू संस्कार के लिए पूरी सामग्री की व्यवस्था की और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। मिली जानकारी के अनुसार बबलू भट्ट अपनी मां के साथ रहता था और ऑटो चलाता था, उसी से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। लंबे अरसे से बबलू बीमार चल रहा था और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने से उसकी 11 अक्टूबर को मौत हो गई। बबलू भट्ट के पिता भी वहीं के निवासी थे। उनकी मृत्यु के बाद बबलू उसी मोहल्ले में पले बढ़े और उनका मुस्लिम समाज से शुरू से ही लगाव था। बबलू की अंतिम इच्छा भी यही थी कि उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम समाज के लोग ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।